ਨਾਰਥਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਮੰਡਲ ਦੇ DMR ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। यहाँ पे मोगा में आप लोगों को जैसा दिखाई दे रहा होगा, एक हमने मेजर इनिशिएटिव लिया है सभी कुछ इम्प्रूव करने का, और उसके तहत हमने स्टेशन को पूरा नया रंग रोगन किया है। कॉलोनी में भी इम्प्रूवमेंट किया है, गार्डन यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं जिससे कि मोगा एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है, इसका अपलिफ्टमेंट हो। काफ़ी समय बाद हो रहा है सर, कोई किसी विजिट कोई आ रहा है? हमारे महाप्रबंधक भी अपना वार्षिक निरीक्षण करने वाले हैं, वो भी यहाँ पे आएंगे। कब आएंगे सर? 4 तारीख का है प्रोग्राम। तो और सर क्या खास किया जा रहा है? और जगह जगह और भी स्टेशनों पे काम कर रहे हैं हम लोग, और स्टेशनों पे जो फाटक हैं उन पे, रेलवे के ब्रिजेज हैं उनके ऊपर, रेलवे की जो अपनी ऑपरेशनल बिल्डिंग्स हैं, रनिंग रूम्स, लॉबीज, उन सब में काम हो रहा है। देखिए, क्वार्टर की हालत में भी एक ये निरंतर चलता रहता है ये प्रोसेस कि क्वार्टर में डिट्यूरेशन होता रहता है, फिर उसको मेंटेन करने के करते हैं। इसमें कुछ कभी कभी हमें फंड्स की भी लिमिटेशन आती है, पर जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उसके अंदर पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक हम लोग अच्छा मेंटेनेंस कर सकें वो करेंगे। हरपाल सहारन की स्पेशल रिपोर्ट के नाल ब्यूरो रिपोर्ट द टीवी NRI।